हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग आपसे पार्ट नंबर लाभ हानि का 12 डिस्कस करेंगे और इसमें एक बेहतरीन टाइप समझेंगे। इसमें हम लोग दो प्रकार के क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझना है आप सभी लोगों को। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके आए दिन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप हमेशा के लिए याद रख पाएं और कोई भी बिना कोई जैसे कुछ याद किए हुए ये सवाल हमारा लग जाना चाहिए और काफ़ी समय तक इसको हमको याद भी रहना चाहिए। हर किताब में, हर बुक में, हर जो है कंपटीशन में पूछा जा चुका है ये सवाल, तो आपको ध्यान रखें। ऐसे सवालों के लिए हम आपको तरीका बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। आप सब लोगों को सारे लेक्चर देखने हैं और सारी मैथ देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए आप वहाँ से देखिए। नहीं तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा तो आप यहाँ पर टच कर कर भी देख सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और, जिन्होंने अभी तक अपना रीजनिंग वाला लेक्चर नहीं देखा हो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर रीजनिंग बाई हाईवे क्लासेस। तो जो पहला चैनल आएगा आप सभी लोगों को उस पर ज्वाइन करना है, जिसका डाइस वाला पार्ट यानी कि पूरा पासा आप किसी भी एग्जाम की, रेलवे ग्रुप डी, मतलब यूपीएसआई, UPSS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 
ही है। तो डाइस की पूरी हमने आपको 7 पार्ट्स में आपको थ्योरी सिखाई है पूरा, कि कैसे डाइस होता है, क्या चीज होती है, और 3 पार्ट्स में हमने आपको उसके प्रैक्टिस कराई, और प्रैक्टिस भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं दमदार जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे, कोई ग्रुप डी में है, कोई रेलवे में है, कोई SSC में है, कोई 10+2 में है, कोई UPSI में है, कोई यूपी पुलिस में, कोई टीचर में है, तो ये सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल ही थे, कोई BEd में है, तो सब पूछे हुए सवाल हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो जाइए फटाफट उस सभी को भी आप सभी लोगों को देखना है, ठीक है, अपना नया चैनल है, सभी लोगों को आपसे उस चैनल से उम्मीद रहेगी कि आप अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आज जो हम लोग सवाल डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, और तीसरा बंदा सी है, और चौथा भी बंदा हो सकता है। अब ये क्या करेगा, कोई वस्तु खरीद कर लाएगा या इसके पास पहले से ही पड़ी होगी, मान लें इसने कितने की भी खरीदी हो, और ये क्या करेगा इस बी को बेच देगा, और बी क्या करेगा इस सी को बेच देगा, और सी को जब बेचेगा तो सी इसको जो भी रुपए दे, 500 हज़ार जो भी रुपए दे वो इसको दे देगा। अब आपसे पूछा ये जाएगा बताओ ए ने कितने में खरीदी थी, तो ए इसको 20% के लाभ पर, बी इसको 30% की हानि पर या लाभ पर, जैसे भी पूछे, और सी इसको 500 रुपये निकाल के देगा, लो भैया ले जाओ ये रुपए अपने। तो करना आपको ऐसे है ये सवाल, जैसे मान लेते हैं ए ने बी को 20%, अब हमें ये बताना है कि ए ने कितने में खरीदा, तो जो जो पूछे उसको ए को एक्स मान लो, मान लेते एक्स में खरीदा, या ए को ए में मान लो। अब ए ने कोई वस्तु बी को बेची है 20% के लाभ पर, तो कैसे लिखोगे, 120/100 लिखेंगे। अब यही चीज़ बी के पास पहुंच गई और बी ने इसको 10% की हानि पर बेची है, तो कैसे लिखोगे भैया, 90/100 लिखेंगे, और कैसे लिखोगे। और ये वस्तु, अब ये वाली जो वस्तु है पता है ये किसके पास है, ये प्रेजेंट टाइम में, ये प्रेजेंट टाइम में पता है किसके पास है, ये सी के पास है, क्योंकि ए के पास थी तब इसका रेट पता क्या था, ए था, या आप एक्स मान सकते हो, ए के पास थी तब ये एक्स रेट की थी, जब ये बी के पास पहुंची तो ये हो गई एक्स गुणे 120/100 की, जब ये सी के पास पहुंची तो हो गई एक्स गुणे 120/100 गुणे 90/100 की, सी के पास पहुंची, और सी इसके लिए जितना भी रुपया दे, जैसे 1080 रुपया दिया, तो फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्स का मान आ जाएगा, वही हमारी ए की वस्तु हो जाएगी खरीदी हुई। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन करना है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी लोगों को इस सवाल को पढ़ना है और काफ़ी अच्छे से, और इसके अंदर जो बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं वो हम आपके साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, इससे पहले हम लोग 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ए ने एक रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब ए ने कोई रेडियो जो है बी को 20% के लाभ पर बेचा है, ठीक है, और बी ने उसे सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपये दिए हों, तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या था, तो हम लोग यहाँ मान चलेंगे कि जो ए का रेडियो का जो मूल्य था वो यक्स था, ठीक है। अब यक्स ने, ए ने क्या किया है, बी को 20% के लाभ पर बेचा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 120/100 भैया, ठीक। अब बी के पास पहुंच गया तो बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा, मतलब 125/100, और बराबर सी ने 225 रुपये दे दिए, तो यहाँ पर हम लोग बराबर 225 लिख देंगे। अच्छा ये बीच में बराबर क्यों लगा है पता है, मतलब अगर हम पूछें ये क्या है, देखो मैं जी समझ लो ये क्या है, तो ये सी का मूल्य है, मतलब सी का मूल्य है, ठीक है,
सी के पास जितने में पहुंचा, और सी ने कितने रुपये दिए, 225 रुपये दिए। तो बात तो बराबर हो गई, ये भी सी ने रुपये दिए और ये भी सी के बराबर है, इसीलिए बीच में बराबर लगा है। ये चीज़ आप सभी लोगों को समझना है, काफ़ी लोगों को ये मतलब ये बराबर क्यों लगा होता है। ठीक है, बराबर तो आप तभी लगाओगे जब कोई चीज़ उसके बराबर होगी, तभी तो बराबर लगाओगे। तो अब देखो ये वस्तु यहाँ पर ये ए की है और यहाँ तक ये वस्तु बी की है, और अगर पूरी बात करोगे यहाँ तक ये वस्तु सी की है। ठीक है, तो ये वस्तु सी की हो गई, सी ने कितने रुपए दे दिए, 225। तो अभी 225 बराबर 225, मतलब ये जो वैल्यू है जो बड़े बड़े आइकन में है ये भी 225 ही है, ये वाली वैल्यू। तो ये सारी चीज़ आपको समझनी है भैया। ठीक है, तो ध्यान रखें ये वैल्यू भी 225 ही थी। अब चलिए फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे आप काट पाओ, काटने की आपकी मर्जी रहती है। तो हम 25 से काट देंगे तो 25 पंचे 125 होता है, और 25 नेमा होता है 225। ठीक, अब हम इसको 0 से ये वाला 0 काट देंगे, 3 से काट दो, 3 चक्कू 12 और 3 3 9। ठीक है, और ये होता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से अगर आप इसको काट दो तो यहाँ आ जाएगा 50। देखो ये वैल्यू जो बटे में बचती है, इसकी जब उधर गुणा कराई जाती है, कैंची गुणा होती है, तो यहाँ हो जाएगा 50 3 150। मतलब ये वैल्यू जो यक्स की मान है वो 50 है, 150 है। यही पूछा गया था कि ए ने रेडियो कितने रुपये, ए ने कितने रुपये में खरीदा, मतलब ए ने रेडियो का क्रय मूल्य क्या था, ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया। तो ए ने रेडियो का जो मूल्य है वो 150 रुपये दिया, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल बहुत अच्छा है कि एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% के लाभ पर बेच दी, और थोक विक्रेता ने एक दुकानदार को वही ऐनक 20% के लाभ पर बेच दी। ठीक है, और दुकानदार ने वही ऐनक ग्राहक को 30.09 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाया, तो उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य क्या था, तो उत्पादक के ऐनक का मूल्य क्या था। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कह लेंगे कि भाई उत्पादक जो है ये, इसके ऐनक का जो मूल्य था वो यक्स था। ठीक है, मतलब आप ये ना समझना कि यक्स मान के हम सवाल बड़ा कर रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों की मेंटिलिटी है कि यक्स मान ने सवाल बड़ा हो जाता है। अरे सवाल बड़ा नहीं, मतलब किसी की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उत्पादक का तुम यक्स जगह बी मान लो या ए मान लो या वाई मान लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो ज़्यादातर शुरू से एक्स माना जा रहा है, तो यहां पर हम लोग एक्स मान लेंगे। मतलब उत्पादक ने एक ऐनक एक्स रुपए में खरीदा, और जब एक्स रुपए में खरीदा होगा तो उसने किसी थोक विक्रेता को 18% के लाभ पर बेचा है, मतलब 118/100। और थोक विक्रेता ने पता क्या किया, थोक विक्रेता ने एक दुकानदार को वही ऐनक 20% के लाभ पर बेच दिया, तो मतलब 120/100। ठीक है, और दुकानदार ने क्या किया, ये दुकानदार ने क्या किया, ये 30.09 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया। अब देखो इसने ये बात सीधी नहीं रखी है, अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे जो है 25% का लाभ 125/100 = 30.09, तो ये सवाल आपका गया। क्योंकि ये पता क्या है, ये जो है दुकानदार का सीपी है भैया, ये सीपी है किसका, दुकानदार का, दुकानदार का ये सीपी है। तो अगर ये दुकानदार का सीपी है भैया, तो यहाँ पर आप इसके बराबर 30.09 नहीं रख सकते, क्योंकि ये बेचकर है, बेचकर मतलब ये विक्रय मूल्य है, और 25% का लाभ कमाया है। लेकिन अगर आपने हमारे पीछे वाले लेक्चर देखे हैं तो ये आप समझ जाइए कि जो है अगर विक्रय मूल्य दिया गया हो तो उसको हम लोग क्रय मूल्य बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आप देखिए ये 30.09 ये क्या था, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ लिया है दुकानदार ने, इसीलिए हम लोग इसको क्रय मूल्य बना देंगे 125। अब देखना ये बीच में जो बराबर लगा है, अब ये बात बिल्कुल सही हो पाई, क्योंकि यहाँ पर ये खरीदा हुआ मूल्य था। ठीक है, तो इधर भी ये सीपी ही होना चाहिए, ये क्या है, ये सीपी है, और ये अब क्या है, इधर भी अब सीपी है, तो बीच में बराबर लग पाएगा, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे अगर ये पहली बार सवाल देख रहे हो ऐसा, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा तो आप फंस जाओगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पॉइंट हटा के एक जीरो लगा लेते हैं, 2 जीरो लगाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ये 2 जीरो क्यों लगाया, क्योंकि दशमलव के इधर जितने अंक होते हैं उतना नीचे जीरो लग जाता है। तो अब हम लोग इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं, और 25 से 4 से काट देते हैं, 4 3 12, और 4 से इसको काट दोगे तो ये 25 आ जाएगा, 2 से इसको काटो तो 2 5 10, और 2 9 18, और 2 से ये बचा हुआ है इसको काट दो। अब देखना बराबर जब लगा होता है तो नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर का काट सकते हैं, जैसे 25 से कम 25, 25 25 125, और 5 से 5 कट गया। ठीक, अब इधर बचा है हमारे पास 59
ठीक है, 59 गुणे 3, अब 3 से ये वाली वैल्यू कट रही, 3 एक कम 3, तो 3 कम 3 और ये 2 0 और 3 3 9। ठीक है, अब हमारे पास बचा है यक्स गुणे 59 बराबर 1003। अब 1003 से काटो भैया, 59 से तो ये एक बार जा रहा है, पक्का कटेगा, 59 एक कम 59, बचे कितने, अब आपको अगर इसमें देते हैं 60, 41 बच गया, अगर 41 बच गया और बचे 3, तो अब ये 413 कितनी बार जाएगा। अब देखो हम तुम्हें तरीका बता देते हैं, 59 से कितनी बार कटेगा, 9 का ऐसा पहाड़ा पटो जिसके लास्ट में 3 आ जाए, वहीं रख जाना, 9 7 63, मतलब ये 7 बार पूरा कट जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो यक्स बराबर आ जाएगा 17। मतलब दुकानदार जो उत्पादक ने जो ऐनक मूल्य रखा था, उत्पादक ने जो है ऐनक का लागत मूल्य 17 रुपया रखा था। अब आप ना मानो तो इसको 59 7 से काटना, पूरा कट जाएगा भैया। ठीक है, 9 7 63 के 3 और 7 नेम 7 पुत 35 और 6 41 पूरा कट जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिलहाल इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल था, अगला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। राम ने एक गाय रहीम को 20% के लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दिया। रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए, तो राम ने गाय को कितने रुपए में खरीदा? तो ये पुराना सवाल है, तो राम ने गाय को भैया 100 रुपये में खरीदा और राम ने एक गाय रहीम को 20% के लाभ पर दे दी, मतलब 120/100, और रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर, मतलब 125/100 पर दे दी, और रॉबर्ट ने इसे 900 रुपये दे दिए। अब देखो रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए, मतलब अब ये नहीं रॉबर्ट ने भी किसी को बेच दिया, अगर बेच दिया होता तो यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं लिख पाते ये, ठीक है, जैसा पीछे था। अब चलिए आसान सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौकू 100, और ये 0 0 काट देंगे और 4 से काट देंगे, 4 3 12, 3 एक कम 3, 3 3 9। अब देखो आपके पास बचा है 3 गुणे 100 300 और ये नीचे वाला, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 3000, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। हाँ अभी 1 मिनट, हमारे पास और भी बचा हुआ है, ये वैल्यू 5 बचा हुआ है, 1 मिनट, अभी हमारे पास ये वाले 5 बचे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 से कटा है तो 2 0 और बचा होगा, 5 से इसको काट दो, 5 एक 30, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 60। ठीक है, तो यक्स बराबर 60 और ये वाले 10, तो 60 गुणे 10 600 हो जाएगा। मतलब वो राम की जो गाय थी वो 600 रुपये की थी, रहीम ने 20% के लाभ पर बेची, फिर रहीम ने रावट ने बेची 25% के लाभ पर, वो 900 रुपये की हो गई, तो यक्स बराबर 600 है, इसका मतलब राम ने वो गाय 600 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी बच्चे जो है कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ए ने 1 रुपये, तो ये ए ऐसे वाला लिख लीजिए आप, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं सही से। तो ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए, तथा तब ए ने यह रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसे 10% के लाभ पर 118 मतलब 1188 रुपये में बेच दिया हो, तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा? बड़ा अच्छा सवाल है, तो यहाँ पर हम लोग मान चलेंगे जो ए ने रेडियो खरीदा है वो यक्स में खरीदा, ठीक है, और यही हमसे पूछा जा रहा है कि ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। अच्छा, जब ए ने रेडियो खरीदा है तो इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च हुआ, वो जुड़ेगा तो इसी में जितने में खरीदा है और खर्च किया, तब ए ने या रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। मतलब भैया जो ए ने जितने में खरीदा होगा, मतलब यक्स में खरीदा, और 110 रुपये मरम्मत पर खर्च हुए, यानी बनवाई में इसका जो बिगड़ा हुआ रेडियो था, तो मरम्मत का मतलब है कि इसकी सही कराया इसको रेडियो को, तो 110 रुपये खर्च हो गए, और इस टोटल पर इसने 20% का लाभ लिया है ना, तभी तो बी को बेचा है, तो यहाँ हम लोग टोटल पर 20% का लाभ लेंगे, तो 120/100 हो जाएगा गुणे में, और बी ने इसे सी को बेच दिया 10% हानि पर, तो हम लोग लिखेंगे 90/100 में बराबर। सी ने इसे 10% के लाभ पर 188 रुपये बेच दिया। आप देखो यहाँ तक ये वैल्यू सी सी तक पहुँच चुकी है ये वैल्यू, तो ये सी सी पी है किसका, सी इधर, लेकिन यहाँ पर अगर ये 1188 तुम लिख दोगे तो ये विक्रय मूल्य, देखो बेच कर लिखा हुआ है, तो जब बेच कर लिखा है तो 10% का लाभ लिया है, तो जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो तो हम लोग सी पी कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 10% का लाभ लिया है तो यहाँ बटे में 110 लिखेंगे, आप इतना सो सब लोग जान ही गए होंगे। तो बस अब हम लोगों को ध्यान रखना है, अब ये भी हमारा इधर का सीपी बन चुका है, उधर भी सीपी है, दोनों तरफ सीपी है तो अच्छा है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दोनों तरफ सीपी ही होना चाहिए, ये भी सीपी है। तो फिलहाल अब हम लोग इसको वैल्यू को कट करते हैं, तो सबसे पहली बात ये है ब्रैकेट में कोई छुएगा नहीं, क्योंकि ब्रैकेट बिल्कुल नहीं कटेगा अभी, तो 2 0 यहाँ से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है, पहली बात तो ये, और 0 से 0 ये कट जाएगा, 11 से ही पूरा कट जाएगा, 11 एक कम 11 और ना जाने का 0, 11 8 88। अब देखो 12 गुणे 9 108 होता है, तो ये 12 नेमा 108 और ये वाले 108 पूरे पूरे कट गए।
अब हमारे पास क्या बचा है, तो ये ध्यान से समझिए हमारे पास क्या बचा हुआ है। यहाँ पर बचा हुआ है यक्स प्लस 110 बराबर, ये जो 100 हैं इधर जो बचे हैं 10, इनकी गुणा हो जाएगी जाके, तो 100 गुणे 10 1000, तो 110 घट जाएंगे। तो 1000 में से अगर आप 110 घटा दोगे तो बचेगा 890, मतलब 890 रुपये। मतलब ये है कि ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा, 890 रुपए में खरीदा, ये हमारा राइट आंसर है। तो बड़ा अच्छा सवाल था, आपको हो सकता है पहली बार लगा रहे हो ऐसा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। अगला ये देखिए, जैसा हमने थंबनेल में लगाया है ये बिल्कुल उसी पर आधारित सवाल है, दो सवाल हम लोग अभी और करेंगे, एक ये एक और। तो ध्यान दें, ए के पास जो है 10,000 की लागत का मकान है, उसे बी को 10% के लाभ पर बेच दिया, और बी ने पुनः उसे जो है बी ने उसे वाप पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेनदेन में ए को कुल लाभ कितना हुआ? मतलब ये है कि भाई ए के पास एक 10,000 रुपये का मकान था, उसने पहले बी को 10% के लाभ पर बेच दिया। बी के नहीं समझ में आया तो बी ने कहा ऐसा करो भैया ए तुम अपना मकान ले लो, तो उसने कहा हम 10,000 रुपये में तो मतलब जितने में बेचा है उतने में तो लेंगे नहीं, 10% के लाभ पर बेचा है तो हम 10% लाभ पर नहीं बेचेंगे। तो बी को जरूरत नहीं था, बी ने कहा हमारे काम का नहीं, तुम इसको फिर से वापस ले लो, हम 10% की घाटा सह लेंगे, 10% का हानि सह लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ए को तो फायदा हुआ दोनों तरफ से, एक तो जब 10,000 रुपये की चीज 10% लाभ पर बेचा वो, और पुनः उसी चीज़ को हमने खरीद लिया है 10% हानि पर, तो ए को कुल लाभ कितना हुआ? तो बहुत संभल कर इसको करना है, क्योंकि जब ये सवाल आता है तो इसमें चार ऑप्शन भी आते हैं, और चार ऑप्शन इसके ऐसे होते हैं जो आपको कन्फ्यूज कर देंगे, इसीलिए हम आपको एक अगला जो सवाल है वो चार ऑप्शनों के साथ में है, ठीक है। तो देखो ए के पास 10,000 रुपये की लागत की कोई चीज़ है, 10,000 रुपये, अब आप इस 10,000 को भूल जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखो कि हमारे पास 10,000 रुपये है ही नहीं। अब ये समझो कि ए के पास 10,000 रुपये की लागत की मकान है, तो बी को उसे 10% के लाभ पर बेच देता है, यानी कि एक बंदा बी है और बी को 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब 10,000 की मकान है, तो अगर आप इसको 10% के लाभ पर बेचोगे तो 110/100 की बेचोगे, तो 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएंगे, 11 × 1000, मतलब ये जो बी के पास मकान पहुंचा है वो 11,000 रुपये का पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि ए को कितना रुपया मिला है, ए को कितना रुपया मिला है, ए को कितना रुपया मिला है, 11,000 रुपया मिला है, बहुत संभल के समझना, 11,000 रुपया मिला, ठीक, बहुत सही। अच्छा, बी ने पुनः उसे ए को 10% की हानि पर बेच दिया, मतलब बी ने 11,000 रुपये में लिया था मकान और इसको बेचना है, तो 11,000 रुपये का मकान 10% की हानि पर बेचना है, तो कैसे भाई 10% हानि लोगे, भैया 90/100 कर देंगे, और इसमें क्या है, तो 2 जीरो ये 2 जीरो काट देंगे, तो 11 × 99 और 2 ये 0 लगा देंगे, तो मतलब 9,900 रुपये। मतलब ये है कि ए को 11,000 रुपये मिले और ए ने 9,900 रुपये वापस किए, ठीक है, ये बहुत संभल के समझना है, क्योंकि हमको ए के बारे में बताना है, इसलिए हम ए की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे कि भैया ए के पास कितना रुपया आया और ए के पास से कितना रुपया गया, तो अभी पता चल जाएगा भैया कितने रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि हमको ए के बारे में ही तो सब कुछ बताना है, तो इसलिए हम लोग ए की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये हम भूल जाएंगे, पहले हमारे पास 10,000 रुपये थे, भाई तुम्हारे पास 10,000 थे, चलो कोई बात नहीं, वो 10,000 चले गए, तुम्हें कितने मिले, 11,000। अब तुम ये ना सोचना कि 1,000 रुपये का फायदा हुआ और इधर तुम इधर चक्कर पड़ जाओगे, जैसा हम बताएं बिल्कुल वैसा ही आपको समझना है, नहीं तो आप ये समझोगे कि 10,000 रुपये की चीज इधर गई 1,000 रुपये तो ये लाभ में आए, ठीक है, 1,000 रुपये ये लाभ में आए, अब तुम यहाँ इनको 990 रुपये देने पड़ गए, अब तुम सोचोगे 11,000 रुपये की चीज 9,900 में मिल गई है, तो ये हमको क्या हुआ, तो अब तुम इसमें फाइनल आंसर नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे, तो जैसा हम बताएं वैसे आप समझो। अब ये तुम आइडिया लगाओ, मोटा मोटा दिमाग हम तुम्हें यहाँ से लगवा रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं कि ए को 11,000 रुपये मिला, ठीक है, ए ने 9,900 रुपये वापस किए, ठीक है, तो अब बताओ ए को कितने का लाभ हुआ, तो ए का लाभ, अब ये बताओ आपके पास 11,000 रुपये आए लेकिन आपने 9,900 रुपये वापस किए, तो इसका मतलब आपने बीच में कितने का घोटाला किया है, तो हम यहाँ कहेंगे 11,000 रुपये में हमने जो है 9,900 रुपये वापस किया है, तो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ चले गए, तो 10 में से 9 गया 9 और यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 9। एक मिनट, फिर से घटा देते हैं, तो यहाँ पर देखें 2 जीरो तो ऐसे ही लिख जाएगा,
10 में से 9 जाएगा, बचेगा भैया एक। यहां पर गड़बड़ हो रहा था। 10 में से 9 जाएगा, बचेगा एक, मतलब 10 में से 9 जाएगा, बचेगा एक, और यहां बचा होगा 10, और 10 में से 9 जाएगा, बचेगा एक। मतलब यह है कि ए का लाभ 1100 रुपया है। तो ये देखो हमने स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया है, यही हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस 1100 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखना है कि ए को 11,000 रुपये मिले थे, उसने 9,900 वापस कर दिए, 1100 रुपये का फायदा हो गया, 1,100 रुपये का फायदा हुआ है। तो बहुत अच्छा सवाल था, इसी पर आधारित ये देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये नहीं पूछा जा रहा है, इस लेन देन में पूछ रहे हैं कि ए को लाभ हुआ ना हानि हुआ, ए को 90,000 रुपये की हानि हुई, ए को 20,000 रुपये का हानि हुई, कि बी को 11,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जैसे ए ने अपना मकान 10 लाख, ए ने अपना मकान 10 लाख रुपये का मकान, ए ने अपना 10 लाख रुपये का मकान, तो यहाँ रुपये भी लिख लो तो अच्छा ही रहेगा। ए ने अपना 10 लाख रुपए का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया है, ठीक है। अब बी ने उसे वापस ए को 10% लाभ पर बेच दिया। इस लेन देन में किसको क्या हुआ है, ए को लाभ हुआ है कि ना हानि हुई है, ए को 90,000 रुपए की हानि हुई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि भाई ए को क्या हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ए का नाम लिखेंगे कि ए के बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है। अब समझना, समझते रहना अच्छे से। ए के पास 10 लाख रुपए थे, ठीक है, तो मतलब ए के पास कितना रुपया था, 10 लाख रुपए था, और ए ने अपने 10 लाख रुपए का मकान बी को 10% की हानि पर बेच दिया है। तो मतलब बी को 10% की हानि पर बेच दिया। पहले तो ये 10 लाख अगर लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो, ठीक है। अभी ये 10 लाख रुपए तो हमारे पास है ही ना, हमारे पास आए हैं 2 रुपए, ना हमारे पास से गए हैं 2 रुपए, लेकिन ए के पास कितना रुपया आया, तो जो है 10 लाख रुपए की चीज 10% हानि पर बेचोगे तो क्या होगा। तो देखिए भैया यहाँ पर हम लोग हानि निकाल लेते हैं, तो 10% की हानि बेच दो, मतलब 90/100 कर देना है आपको, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 2 जीरो, तो यहाँ पर बचेगा 10 लाख की चीज 10% हानि पर बेचोगे तो 9 लाख बचेगा, ठीक है। तो कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 लाख रुपए जो है यहाँ पर हमारे ए के पास 9 लाख रुपए आए, ठीक है, 9 लाख रुपए ध्यान देना आए। अभी देखो हमारे पास वो 10 लाख रुपए थे वो थी, लेकिन हमारे पास आए कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, 9 लाख रुपए आए, ठीक है। अच्छा फिर क्या किया, बी ने वापस इसे ए को 10% के लाभ पर बेच दिया। अब मतलब 9 लाख रुपए की चीज 1 2 3 4 5 और 10% के लाभ पर बेच दोगे तो मतलब 110/100 की बेचोगे, तो 1 2 जीरो और 1 और 2 जीरो, यानी कि 11 नेम 99। तो 11 नेम 99 और जो है ध्यान देना है 1 2 3 4 जीरो, मतलब 1 2 3 4 जीरो और 99 आपको लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लीजिए, बहुत अच्छे से लिख दें, चूंकि आपको कभी गड़बड़ ना हो इस तरीके से हम लोगों को बताना है। तो 4 जीरो लिखो, 1 2 3 4 और यहाँ 9। तो ध्यान दें, ए के पास 9 लाख रुपए आए थे, कैसे आए 9 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख रुपए मकान था, 10% की हानि पर बेचा, तो 9 लाख रुपए उसके हाथ में दिए गए। लेकिन उसने क्या किया, बी ने कहा ये अपना तुम फिर ले लो, ये लेना चाहता होगा तो बी ने कहा ऐसा करो, अगर आप लेना चाहते हो तो हम आपको 10% के लाभ पर बेचेंगे ये। तो 9 लाख रुपए की चीज बी ने 9,90,000 रुपए की दी। तो इसका मतलब ए के पास से, ए के पास से 9,90,000 रुपए गए, ठीक। अब समझना, 9 लाख रुपए आए थे लेकिन तुम्हारे पास से गए 9,90,000 रुपए, भाई 9,90,000 रुपए गए। अब बताओ कोई चीज अगर तुम्हारे पास, हम तुम्हें 10 रुपए दें लेकिन हम लें तुमसे हम 15 रुपए, तो बताओ तुमको घाटा होगा कि फायदा, हमको तो घाटा होगा भाई, 10 रुपए आपने दिए और हमसे 15 रुपए ले लिए, तो 5 रुपए का घाटा यहां दिख रहा है। तो यहां पर ये भी बात तो बोल दो तुम कि ए के पास 9 लाख रुपए आए थे लेकिन ए के पास से 9,90,000 रुपए गए हैं। तो आपको ध्यान से स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ए को 90,000 रुपए की हानि हुई है। बहुत अच्छे समझना, ए को 90,000 रुपए की हानि हुई। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, ए को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, गलत।
ए को 90,000 रुपये की हानि, बहुत सही। दूसरा ऑप्शन हमको मिला, ए को 20,000 रुपये की हानि, नहीं, बी को 1,10,000 रुपये का लाभ हुआ। आइए इस बी के बारे में भी थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वाकई में बी को 1,10,000 रुपये का लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ हम लोग क्लियर करें। आइए अब देखो, ये सवाल लग चुका है, बी हमारा आंसर आ गया, अब हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छा ये समझो, बी, अब हम लोग बी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि बी को क्या हुआ है। सबसे पहले आप समझो कि बी ने कितना रुपया दिया था, बी के पास से कितने रुपए गए थे। तो बी के पास से, भैया ध्यान देना, बी के पास से 9 लाख रुपए गए थे, क्योंकि ए को उसने रुपए दिए थे ना ये 9 लाख रुपए। तो ए के, बी के पास से, बी रुको एक मिनट, यहां मिटा के शॉर्टकट में लिखेंगे, तो बी के पास से 9 लाख, 3 2 5, ठीक है, 9 लाख रुपए गए, ठीक। लेकिन बी को कितने रुपए मिले, तो 9,90,000 रुपए जब ए ने बी को दिए जाके तभी तो उसने मकान दिया, तो 9,90,000 रुपए मिले। भैया बी ने पहले क्या किया, 9 लाख रुपए ए को दिए जाके, वो तो ऊपर लिखा हुआ है ए के पास 9 लाख रुपए आए, इसका मतलब आए ये दिए किसने, ये बी ने दिए हैं, तो मतलब 9 लाख रुपए बी के पास थे गए हैं। तो और ए के पास से कितने गए, 9,90,000 रुपए, इसका मतलब ये 9,90,000 रुपए लिए किसने, बी ने, तो इसका मतलब 9,90,000 रुपए बी को मिले हैं। अब बताओ बी को लाभ हुआ कि फायदा, अब ये तुम बताओ, गए कितने थे 9 लाख, लेकिन मिले कितने, 9,90,000। तो आपको देखिए कितना मतलब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, भैया हमको तो बी को तो लाभ हुआ है कितने का, 90,000 रुपए का, 90,000 रुपए का लाभ। वैसे भी आप ये समझ सकते हो कि अगर ए को 90,000 रुपए की हानि हुई है तो ये हानि दी किसने है, अरे बी ने दी है, तो बी को लाभ हुआ होगा 90,000 रुपए का, ठीक है। तो यही चीज स्पष्ट रूप से देख लीजिए, जैसे अगर हमने आपको 10 रुपए दिए थे और हमने आपसे 15 रुपए लिए थे तो हमको 5 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन ये लाभ हमें हुआ कैसे, जब तुम्हें 5 रुपए की हानि हुई है तभी तुम्हें 5 रुपए का लाभ होगा, ये चीज है, मतलब रुपए में उतना ही रहेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल था। तो आप देखो बी को 90,000 रुपए का लाभ कोई ऐसा ऑप्शन है, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये तो बी को बोल रहे 1,10,000 रुपए, इसीलिए हमारा ये भी आंसर गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है ही, क्योंकि ए को 20,000 रुपए की हानि थोड़ी ना हुई है, मतलब 90,000 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था, ये सवाल आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं, तो लगभग में आपका जो लाभ हानि है वो फिनिश है। अच्छे अच्छे सवाल जो भी बचे होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। आप सभी लोग बने रहिए हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, आपका पूरा कोर्स कराएगा, आपका कराया जाएगा, आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, आपको डोंट वरी, चिंता मत करना, आप लोग बस धैर्य रख के साथ पढ़ते रहो। देखो पढ़ाई में दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं, एक तो आप मेहनत भी करते रहो साथ साथ में, थोड़ा धैर्य के साथ में पढ़ो, और पढ़ाई सभ्य के साथ में पढ़ो, ठीक है, सभ्यता से पढ़ो, धैर्य से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ठीक है। तो ये तरीके से पढ़ते रहो, बाकी आपके जो भी एग्जाम हो आप टारगेट उस एग्जाम को करिए, अपनी मेहनत करिए, जो भी सपोर्ट हमसे बन पड़ता है हम आपके साथ जरूर करेंगे, ओके। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, इससे इतना निवेदन है, क्योंकि आपके पास जब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो हम आपको टेलीग्राम पर ये वीडियो शेयर कर देते हैं, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।